सो भाई लोग, आज हम लोग बात करने वाले हैं कल की, यानी कि 2898 AD, यानी कि प्रोजेक्ट की के ऊपर। सो दोस्त, इसका जो फाइनली रिलीज डेट था वो टल चुका है, क्योंकि दोस्त जो मूवी 12 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, वो मूवी का रिलीज डेट कुछ और हो गया है। और यही तो नहीं चाहते थे बेड़ो प्रभास के फैन कि इसका जो रिलीज डेट है वो टल जाए। सो फाइनली दोस्त, इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा कि इसका रिलीज डेट टल के क्या हो चुका है। सो फाइनली दोस्त, इसमें एडवांस लेवल की कहानी दिखाई जाएगी 2898 AD की, जो दुनिया बदल चुकी होती है और किसका राज होता है, दुश्मनों का काला जाल होता है। फाइनली आप लोगों को सब कुछ मैं बता चुका हूँ एक नए वीडियो में। सो दोस्त, इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि इसका रिलीज डेट क्या हो चुका है। इसका बजट तो आप लोग जानते ही हैं कि 600 करोड़ की बजट वाली है। और फाइनली इस मूवी के जो डायरेक्टर साहब है नाग अश्विन, पता नहीं क्या सोच के इस मूवी का रिलीज डेट टाल दिया है, जो शायद मई 2024 में आप लोग को देखने को मिलेगी शायद ये मूवी। फाइनली इसका जो रिलीज डेट डिले हुआ है, तकरीबन 5-6 महीने डिले हो चुका है। और 5-6 महीने डिले करने का मतलब ये है कि दोस्त अभी इसमें बहुत सारे काम बाकी होंगी, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा BFX, आप लोगों ने देखा होगा प्रभास का एक पंच वाला BFX। फाइनली उससे ज़बरदस्त तो हमारे जो कार्टून मेकर हैं वही बना देते हैं, वैसा ही कुछ देखने को मिला था। उसी को हमको लगता है कि 600 करोड़ बजट की ये जो मूवी है, इसका बजट 600 करोड़ है, तो दोस्त कुछ कमाल तो होना चाहिए। इसीलिए शायद लगता है कि इसके VFX पे फिर से ध्यान दिया जाएगा और फिर से काम शुरू किया जाएगा और बनाया जाएगा एक बेहतरीन लेवल की मूवी, क्योंकि दोस्त प्रभास है। और फाइनली आप लोगों ने सलार देखा होगा, सलार में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रभास की एक्टिंग गजब की थी, मस्त थी, मेरे को जबरदस्त लगी। मैं तो जरूर गया था देखने और देख के आया, आप लोग को रिव्यू भी दिया हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाइए देख लीजिए। लेकिन दोस्त ये जो मूवी है वो अब रिलीज होने वाली है मई 2024 में, और ये भी शायद कन्फर्म नहीं है। जैसे ही कोई कन्फर्म रिलीज डेट आती है, एकदम से एक्यूरेट रिलीज डेट कि इस तारीख को रिलीज होगी, तो मैं आप लोग को सबसे पहले इस पर बताने की कोशिश जरूर करूंगा। सो फाइनली इसका जो रिलीज डेट है वो तकरीबन 12 जनवरी था, लेकिन टल के चला गया मई में, 5-6 महीने का डिले हुआ। सो दोस्त, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई फिल्म अपडेट्स के साथ। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ऐसी फिल्म अपडेट्स पाने के लिए। सो दोस्त, मिलते हैं।